अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इन दोनों अकाउंट्स में क्या फ़र्क होता है और कौन सा अकाउंट हमें ओपन करना चाहिए, कौन सा अकाउंट सबसे बेहतर होता है? अब बैंक अकाउंट तकरीबन हर शख्स की ज़रूरत है, किसी न किसी बैंक में ज़रूर अकाउंट होना चाहिए ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे अहम ये चीज़ है कि हमें सिलेक्शन करनी है तो कौन सा अकाउंट हम सेलेक्ट करें, करंट अकाउंट और या फिर सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट जब आप ओपन करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर जितना आप अपना पैसा रखते हैं वो आपका उतना का उतना ही पैसा रहता है, उस पर आपको किसी किस्म का प्रॉफिट यानी इनके इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए यही चीज़ होनी चाहिए कि जितना हमारा पैसा है उसके ऊपर हमें एक रुपया भी इजाफी नहीं मिलना चाहिए, जो इंटरेस्ट हो यानी कि जो सूद हो, और हमें सूद से जितना बचना चाहिए वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सूद से बचना चाहिए। तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं होता, जितना आपका अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उतना ही आपका पैसा पड़ा रहेगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, हर बैंक इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे होते हैं जो मंथली बेसिस पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 15 दिन के बाद जिनके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। सेविंग अकाउंट में ये होता है कि जितना आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखेंगे वो जितना आपका पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे के ऊपर आपको प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट मिलता है यानी कि सूद मिलता है। तो हमें तो सूद से जितना यानी कि बच सकते हैं हमें उतना बचना चाहिए। तो यानी कि बेसिक ये डिफरेंट है कि सेविंग अकाउंट में आपको जितना आपका पैसा पड़ा है वो उसमें आपको ऊपर प्रॉफिट मिलता रहता है, करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं मिलता। तो एज ए मुस्लिम हमें जो है वो सूद से बचना चाहिए, तो इस हवाले से करंट अकाउंट जो है वो सबसे बेहतर है। और जब भी आप अकाउंट ओपन करें आप करंट अकाउंट ही ओपन करें। इसके अलावा जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करें आपने करेंसी को भी अच्छे तरीके से देखना है, करेंसी कौन सी बेहतर है, बैंक कौन सा बेहतर है, कौन से बैंक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी होती है, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो अवेलेबल है। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें कौन सी करेंसी सबसे बेस्ट है, कौन सा अकाउंट सबसे बेस्ट है, कौन से अकाउंट की टाइप, और उसके अलावा कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या वीडियो के कमेंट से वो लिंक लेके तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर भी कार्ड नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कौन से बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।